सो गाइस आज हम बनाएंगे अपनी ब्रेकफास्ट की यम यम डेलीशियस रेसिपी। सो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये गाइस आज हम बनाएंगे खट्टा मीठा पोहा। तो ये देखिए मैंने चिवड़ा ले लिया है। सो गाइस यहाँ पे मैंने हाफ पैकेट चिवड़ा ले लिया है और ये 3-4 लोगों के लिए आराम से हो जाएगा बिकॉज हम इसमें वेजीज ऐड करेंगे। सो ये 3-4 लोगों के लिए ईजिली हो जाएगा। सो गाइस मैंने यहाँ पे देखिए वाटर डाला है, इसे थोड़ा सा हम वॉश करेंगे, इसे भिगोना नहीं है बिल्कुल भी, इसे हम थोड़ा सा वॉश करेंगे और फिर इसका पानी निकाल लेंगे। ये देखिए हम हाथ से इसको अच्छे से वॉश करना है और ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से वॉश भी हो जाए। और फिर मैंने इसे पानी निकाल लिया है और फिर यहाँ पे थोड़ी सी हम शुगर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन वैसे 1-2 चम्मच आप ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, 1 or 2 टेबल स्पून यू कैन ऐड इजली। एंड ये देखिए हम ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड गाइस ये पोहा जो रेसिपी है वो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही हेल्दी रहती है, ये बहुत ही डाइजेशन में अच्छा रहता है और ये हेल्दी ब्रेकफास्ट है और आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें बहुत सारी आयरन का अमाउंट इसमें काफ़ी होता है और इसमें वेजीज डालेंगे जिसमें कि बहुत सारे मिनरल्स एंड फाइबर्स भी होते हैं। सो ये हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है। एंड ये देखिए मैंने कुछ वेजीज ली हैं, अगर आप इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करना चाहते हैं जैसे कैप्सिकम वगैरह तो आप इजली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पोटैटो लिए हैं और कुछ कैरेट लिए हैं जो कि मैंने बारीकी काट लिए हैं। यहाँ पे वेजीज और टमाटर और कोरिएंडर ये सब लिया हुआ है। अगर आप इसमें कुछ स्किप भी करना चाहते हैं और अगर ऐड करना चाहते हैं तो इजली ऐड कर सकते हैं। ये मैंने एक पैन में ऑयल गर्म कर लिया है और इसमें थोड़ा सा हम जीरा ऐड करेंगे जब ऑयल हीटअप हो जाएगा तो। और फिर हम इसमें थोड़ी सी टर्मरिक ऐड करेंगे। देखिए हल्दी पाउडर है ये और ये गाइस हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसमें कई सारी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जब ये थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे जीरा तो हम इसमें अपने प्याज ऐड करेंगे और अपनी वेजीज को रोस्ट करेंगे पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जीरा ब्राउनिश टाइप का हो गया है। जब हमारे जीरा और हल्दी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, अनियन। एंड फ्रेंड्स ये ब्रेकफास्ट जो है पोहे की रेसिपी ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बेस्ट ब्रेकफास्ट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ब्रेकफास्ट में मोस्टली यही लिया करिए। और ये देखिए मैंने अनियन इसमें ऐड कर दिया है। और ये जो पोहा रेसिपी है वो फैट के लिए भी अच्छा होता है, ज़्यादा फैट नहीं बढ़ाती, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इसमें आयरन का अमाउंट काफ़ी होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप पोहे की ब्रेकफास्ट क्या करिए, इसे आप दूध के साथ या दही के साथ भी चिवड़ा ले सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्दी होता है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे अनियन ऐड कर लिया, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये रोस्ट हो जाएगा इसमें थोड़ा सा ब्रेडिश टाइप हो जाएगा, डार्क ब्राउनिश टाइप आपको लगेगा, तो हम इसमें अपनी वेजीज ऐड करेंगे। एंड अनियन में बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती हैं। सो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको अनियन यूज़ करना चाहिए, ये स्किप नहीं करना चाहिए। सो अब ये देखिए हमारा जो अनियन है वो अच्छे से रोस्ट हो रहा है और ये डार्क रेडिश टाइप हो गया है, देखिए ब्राउनिश टाइप का, ये देखिए आप अच्छे से देख सकते हैं। और अब हम इसमें वेजीज ऐड करेंगे। एंड अनियन हमारी हार्ट के हेल्थ के लिए भी अच्छा हो एंड ये डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है। सो हम अनियन ज़रूर ऐड करेंगे। ये देखिए रोस्ट हो रहा है हमारा अनियन। एंड फ्रेंड्स पोहा जो रेसिपी है ब्रेकफास्ट की हमारी वो आपको वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प करेगी और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है। तो अगर आप एनर्जी का सोर्स लेना चाहते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी इसमें पोहे में बहुत अमाउंट में एनर्जी होती है, तो आप इसे इजली ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स और फाइबर्स होते हैं बिकॉज इसमें बहुत सारी वेजीज भी ऐड हैं। सो ये देखिए हमारा अनियन अच्छे से रोस्ट हो गया, अब हम इसमें अपनी वेजीज ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ मटर, कच्ची मटर है, बॉइल्ड नहीं है बिल्कुल भी। सो मैंने यहाँ पे ग्रीन मटर ऐड की है, यहाँ पे कुछ कैरेट्स ऐड किए हैं जो कि मैंने बारीकी काट ली है, और यहाँ पे टोमेटो है, ये टमाटर और आलू, और थोड़ी सी हम कोरिएंडर भी ऐड करेंगे, धनिया। ये देखिए सारी वेजीज मैं ऐड करती हूँ। गाइस आप वेजीज का ज़्यादा से ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगी यूज़ क्या करिए, आप बिल्कुल भी स्किप ना करिए बिकॉज ये अच्छा सोर्स होता है हमारे वेजीज को गेन करने के लिए, मतलब वेजीज को खाने के लिए, कि आप उसे पोहे में, मैगी में या नूडल्स में इजली बच्चे खा लेते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे वेजीज ऐड कर लिया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कैरेट लिया है, आप कैरेट जरूर इस टाइम खाया करिए विंटर्स में बिकॉज कैरेट में बीटा कैरोटीन होता है और विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स होता है और ये आपको
बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में, स्ट्रेंथन करने में बहुत ही हेल्प करता है गाइस। और ये आइज के लिए भी, स्किन के लिए भी, सबके लिए अच्छा होता है। सो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स होते हैं। सो आप वेजेस का अच्छे से यूज़ कर रही है। ये देखिए मैंने यहाँ पे किचन का वो सब्जी मसाला ऐड लिया है। तो अब मैं इसे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा। अगर आप ये स्किप करना चाहते हैं या कुछ और मसाले ऐड करना चाहते हैं तो आप इसलिए कर सकते हैं। सो अब ये देखिए हम इसे अच्छे से सारी वेजेस हम अपनी मिक्स कर लेंगे और फिर इसे थोड़ा सा पकने के लिए रख देंगे। और जब ये हमारी वेजेस रोस्ट हो जाएंगी, अच्छे से पक जाएंगी, तो अब हम इसमें अपने चिवड़ा का जो पोहा है वो ऐड करेंगे। चिवड़ा ये देखिए हमने इसे ढक दिया ताकि ये अच्छे से जो पक जाए और ये थोड़ी स्मूथ हो जाए। ये देखिए मेरी वेजेस पक गई हैं, रोस्ट हो चुकी हैं। सो गाइस देखिए देखने में कितनी यम्मी लग रही हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और यम्मी है, डिलीशियस रेसिपी है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। सो देखिए मैंने यहाँ पे चिवड़ा डाल रही हूँ और ये थोड़ा सा खट्टा मीठा पोहा है तो इसमें मैंने शुगर और सॉल्ट ऐड किया है। सो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। सो देखिए गाइस यहाँ पे ग्रीन वेजेस का लुक कितना यम्मी लग रहा है और ये हेल्दी भी बहुत है। ये ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट रेसिपी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कोरिएंडर डाल दिया है, हरी धनिया। अगर आप इसकी जगह कोई पाउडर, धनिया पाउडर या कुछ और मसाले भी यूज़ करना चाहते हैं इसका तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ आपके पास नहीं है तो आप इसे ईजिली स्किप भी कर सकते हैं। सो गाइस ये देखिए मेरी रेसिपी कितनी अच्छी लग रही है, हमारा पोहा कितना यम्मी डिलीशियस लग रहा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस इट इज़ टू हेल्दी एंड टू यम्मी। सो गाइस जैसा आप जानते हैं कि वेजीज में बहुत सारे आयरन होता है, कई सारी विटामिन्स होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं। सो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजीज का यूज़ करिए अगर ये अपनी डेली लाइफ में। सो गाइस मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक की, शेयर करें, सब्सक्राइब करिएगा।